जो उद्धव ठाकरे मातोश्री के चौखट से निकलने की जहमत नहीं उठा पाए, उन्हें अयोध्या में राम का जयकारा लगाते देख आप हैरान मत होइएगा। उद्धव ठाकरे पूरा कुनबा लेकर मुंबई से अयोध्या यू ही नहीं आए हैं। 1580 किलोमीटर का हवाई सफर कर उद्धव यहां पधारे हैं, क्योंकि करो या मरो की मजबूरी है। अटल जी ने कहा था कि अब हिंदू मार नहीं खाएगा, वो दिन तो चले गए, वो अब नहीं रोकेंगे। अब हिंदू ताकतवर हो गया, इतना जोश हिंदुओं में आत्मविश्वास बाला साहब ने पैदा किया है। अब हिंदू तो मार खाएगा ही नहीं, लेकिन अब हिंदू चुप भी नहीं रहेगा। हिंदू हर कदम पर पूछेगा कि मंदिर कब बनाओगे, मंदिर यही बनेगा, जल्द बनेगा, लेकिन तब। तो अयोध्या में हिंदू वोट के राजनीतिक बंटवारे की कोशिश हो रही है। जिस वोट बैंक पर बीजेपी अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान रही थी, उसकी छीना झपटी में उद्धव ठाकरे भी उतर आए हैं। इसलिए खुद को मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ में दिख रहे हैं। पिछले 4 साल कितनी संभावनाओं की तलाश की गई, और क्या आपको एक भी संभावना ऐसी नहीं मिली कि उस संभावना को लेकर मंदिर का निर्माण किया जाए? तो उस संभावना की तलाश हम कब तक करते रहेंगे? और अगर मामला अदालत के पास ही डालना है तो फिर चुनाव के प्रचार के दरमियान उसका इस्तेमाल ना करें, और फिर बता दो कि भाई और बहनों हमें माफ करो, ये भी हमारा एक चुनावी जुमला था। उद्धव ठाकरे जिस ताकत से मोदी पर हमला करते दिखे, उससे एक बार ये उलझन होने लगी कि वो बीजेपी के सहयोगी हैं या कांग्रेस के शुभचिंतक। लेकिन उद्धव इतनी दूर यूं ही नजर नहीं आए। अयोध्या से मोदी सरकार पर हमला करने का मजा और नतीजा ही कुछ और है। और अटल जी की सरकार एक मिलीजुली सरकार थी, तो चलो उस वक्त ये मामला नहीं उठा सकते थे हम, लेकिन आज की सरकार बहुत ताकतवर है, ये सरकार मजबूत है, और अगर ये सरकार नहीं करेगी फिर दूसरी कौन सी सरकार करेगी? तो कुछ दिन बाकी रहेंगे, मंदिर तो होगा, मंदिर तो होते होगा ही होगा, लेकिन अगर ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो शायद ये सरकार नहीं बनेगी, लेकिन मंदिर जरूर बनेगी। उद्धव ठाकरे के लिए अब हिंदू का मतलब मराठी था, अयोध्या उनके लिए मुंबई थी, यूपी बिहार वाले उनके लिए कांटे थे। अब उन्हें राम भी याद आ रहे हैं, मंदिर भी याद आ रहा है, और हिंदू भक्ति की तो हिलोरे फूट रही हैं। सब सियासत की माया है। कुमार अभिषेक के साथ कमलेश सुतार, अयोध्या।